हुकूमत ने अद्वियात की कीमतों में 7 से 10% तक इजाफा करने की इजाजत दे दी। शहरियों ने हुकूमत के इस फैसले को मुस्तरद कर दिया। तो आपको बता रहे हैं, हुकूमत ने अद्विया की कीमतों में 7 से 10% तक इजाफे की इजाजत दे दी है। शहरियों ने हुकूमत के इस फैसले को मुस्तरद कर दिया है। इस्लामाबाद से रिपोर्ट कर रही है सबा वजीर। महंगाई के मारे अवाम पर हुकूमत का एक और वार, पहले से महंगी अद्वियात मजीद महंगी करने की मंजूरी दे दी। हुकूमत ने अद्विया साज कंपनी को कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स के तहत अद्विया की कीमतों में 7 से 10% इजाफा करने की इजाजत दे दी, जिसका नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया गया है। दूसरी तरफ अवाम ने हुकूमत के इस फैसले को मुस्तरद कर दिया है। कम अज कम लोगों की जान पे तो नहीं खेलना चाहिए कि ये चीज़ें तो कम से कम सस्ती होनी चाहिए, खाने पीने की चीज़ें और ये मेडिसिन तो कम से कम ये सस्ती होनी चाहिए ना। अल्लाह रहम करे हमारी हुकूमत पे भी और हम सब पे भी, हालात आपके सामने हैं। महंगाई भी कंट्रोल कर ले, अगर मेडिसिन है, गरीब है, हॉस्पिटल में एडमिट हुआ है तो फिर कैसे अफोर्ड करेगा। नोटिफिकेशन के मुताबिक अद्विया साज कंपनियों के लिए किसी भी दवा की ज्यादा से ज्यादा कीमत में इजाफा के तमाम सबूत ड्रेप को जमा कराना होंगे। सबूत दुरुस्त होने की सूरत में ड्रेप एक माह के अंदर नई कीमतों की मंजूरी दे देगी। अवाम ने अद्वियात की कीमतों में इजाफा मुस्तरद कर दिया। कराची के बासियों का कहना है कि महंगाई ने पहले कमर तोड़ रखी, ऐसे में अद्वियात की कीमतों में इजाफा जिंदगी छीनने के मुतरादिफ है। शहरी इस हवाले से क्या कहते हैं, आपको सुनवाते हैं। दवाई अगर महंगी कर देगी तो आवाम तो भूखी मरेगी, ठीक है। वो अपने पहले तो खाने के लिए उनके पास कुछ है नहीं, अगर उनका मरीज हॉस्पिटल में पड़ा हुआ है तो उनकी दवाइयाँ कैसे खरीदेगी। दवाई पे तो सर उन्होंने बेनिजात बताया, कितनी दवा बढ़ाएंगे, 2 दवा बढ़ा चुके हैं और कितनी बढ़ाएंगे। एक जो छोटी ब्लड प्रेशर की गोली जो पहले 11 रुपए की थी, अब आपने 100 रुपए की कर दी आपने। 85% लोग जो है ना किसी भी डिजीज का शिकार है, साइनस प्रॉब्लम है, हार्ट है, ब्लड प्रेशर है, तो दवाओं का अगर नहीं मिलेगा तो समझ लीजिए कि मरीजों की तादाद बढ़ेगी, मरीजों की तादाद बढ़ेगी तो जो पेंडेमिक चल रहा है वो मजीद और फैलेगा। कराची की तरह मुल्तान के शहरी भी अद्वियात की कीमतों में इजाफे पर फट पड़े, क्या कहते हैं आपको सुनवाते हैं। महंगा मिल जाए पैन गरीब बंदा है, ऐसा दूर दें तो सारे नाल कोई त्याग है ही बंदे, गरीब बंदा है ऐसा दवाएं फौली महंगा मिल जाए पैन। भाई पहले इतनी महंगी है, ये हम कैंसर के भाई हैं हमारे, उनकी दवाई ले गए हैं, वो पहले 8,000 की थी, आज 13,000 रुपए की आई है। एक ही अपॉर्चुनिटी हमें निश्चित अस्पताल, अगर यहीं से हमें दवाई महंगी मिलेगी तो हम कहाँ जाएंगे। जो चीज़ भी देखो महंगा की हुआ है, दवाई हो चाहे आम जरूरियात की खाने पीने की चीज़ें हो, आटा हो, चीनी हो, जो भी चीज़ हो, बहुत महंगा किया हुआ है, हम बहुत तंग हैं इस हुकूमत से। फैसलाबाद के शहरियों ने भी अद्वियात की कीमतों में इजाफे को मरीजों को जहर देने के मुतरादिफ करार दे दिया। उन्होंने इस हवाले से मजीद क्या कहा, बता रहे हैं आजादार हुसैन। जी आजादार बताइएगा। जी बिल्कुल, हुकूमत की जानिब से अद्वियात साज जो कंपनियां हैं इन्हें 7 से 10% अद्वियात की कीमतों में इजाफा करने की जो है वो मंजूरी दे दी गई है, इजाज़त दे दी गई है। और ऐसे में पहले से महंगाई की चक्की में पिसी आवाम जिन्हें जो है कभी आटा नहीं मिलता, कभी चीनी महंगी, कभी पेट्रोल उनके लिए नायाब, और ऐसे में पहले से ही अद्वियात की कीमतों में जो इजाफा किया गया था, मजीद 7 से 10% इजाफा करने की इजाज़त दे दी गई है। इस सिलसिले में मरीज या उनके तीमारदार जो कि मेडिकल स्टोरों का रुख कर रहे हैं, यहाँ से दवाई ले रहे हैं, उनका क्या कहना है। जी सर, जी जो पहले इजाफा किया है वो अभी कम है, जो अभी पहले वहाँ मर रही है वो कम है, अभी कोरोना से मारी है, ऐसे दवाइयों से ज़्यादा मरनी शुरू हो जाएगी। इनका तो हाल ही यही है, इनको तो चाहिए कि जितनी जल्दी हो सके इनके छुटकारा पाए इस हुकूमत से, ये इस काबिल नहीं है रहने के। जो जो मिली वक्त की है ना इन सब लोगों ने मेडिसिन वालों के साथ मिलकर, ये पता वगैरह चलता है, इनका कमीशनें चलती हैं, उसकी वजह से ये दवाइयाँ रोज बढ़ाते हैं, इनका मकसद ही यही है। और जो अद्वियात जो महंगी हो रही हैं उसकी जिम्मेदार जो है, हुकूमत को चाहिए कि आवाम को रिलीफ दे, बजाय इसके कि अद्वियात की जो कीमतें हैं उसे आए रोज जो है वो बढ़ाया जा रहा है, जिसके सबब जो गरीब और मुस्तक मरीज जो कि सरकारी अस्पतालों में मुफ्त इलाज की करते जा रहे हैं मगर वहाँ से अद्वियात नहीं मिलती, डॉक्टरों की जानिब से जो है अद्वियात वो बाहर प्राइवेट मेडिकल स्टोरों के लिए जा रही है और मरीज मजबूरन बाहर प्राइवेट मेडिकल स्टोरों से अद्वियात खरीदने पर मजबूर है, और ऐसे में अद्वियात की कीमतों में भी इजाफा करने के हवाले से जो है वो मंजूरी दे दी गई है। अम्मा जी, दवाइयों की कीमतों में इजाफा कर दिया हुकूमत ने, बहुत अच्छा नहीं किया उन्हें साढ़े नाल, बहुत ज्यादा की थी, बीमारा नुकसान भी है कि दवाइयाँ लीए उन्होंने साढ़ा तावन करना चाहिए। हुकूमत को जो है वो तावन करना चाहिए ताकि इस तरह के तीमारदार जो कि अपने मरीजों का इलाज कर रहे हैं
अब उनका ये कहना है कि वो अपने मरीजों को संभालने या अद्वियात देने के लिए प्राइवेट जो मेडिकल स्टोर है वहाँ पे। जी आजादा, बहुत शुक्रिया अपडेट करने के लिए। कराची में हालिया दहशतगर्दी और दरपेश खतरात के पेश नज़र सिंध रेंजर्स का सेंट्रल जेल कराची, हैदराबाद और सखर जेल में टारगेटेड ऑपरेशन किया गया। रेंजर्स हुकाम के मुताबिक ऑपरेशन में रेंजर्स के मुख्तलिफ विंग्स ने हिस्सा लिया। तीनों जेलों की तमाम कैदी बैरिक्स और सेल्स की तफसीली तलाशी भी ली गई। जेलों से टीवी, कैंचियां, नेल कटर्स बड़ी तादाद में बरामद हुए हैं। मज़ीद तफसीलात जान लेते हैं दानियाल सैयद से। जी दानियाल, हमें बताइएगा। जो सेंट्रल जेल समेत हैदराबाद जेल और दीगर जो जेल है उसमें गुज़िश्ता रोज़ टारगेटेड ऑपरेशन किया और ऑपरेशन में रेंजर्स के मुख्तलिफ विंग ने हिस्सा लिया था। तीनों जेल की तमाम कैदी बैरिक्स और सेल्स की मुकम्मल तफसीली तलाशी ली गई। बम डिस्पोजल स्क्वाड और सूंघने वाले कुत्तों की मदद से भी सर्च ऑपरेशन में मदद ली गई। तलाशी के दौरान मुख्तलिफ ममनू अशिया जो है वो बरामद हुई है। रेंजर्स हुकाम के मुताबिक जेल से टेलीविजन, फ्रिज, एयर कूलर, कैंची, लाइटर्स, स्टेपलर, दस्ती जो घड़ियां, गोल्ड चेन, पेडिस्टल फैन और स्टेपलर जायज जो है वो बरामद किए गए हैं। और रेंजर्स हुकाम के मुताबिक ये ऑपरेशन जो है वो खुफिया मालूमात की बुनियाद के ऊपर सेंट्रल जेल कराची, हैदराबाद और सखर जेल में किया गया था। जी दानियाल, हमारे साथ ही मौजूद रहिएगा। और अब आपको बताएं, कराची के इलाके मलीर शराफी गोट में शादी की तकरीब के दौरान फायरिंग से जख्मी बच्ची दौरान इलाज दम तोड़ गई। पुलिस के मुताबिक दो रोज कबल हवाई फायरिंग से बच्ची समेत तीन अफराद जख्मी हुए थे। फायरिंग में मुलविस दो सगे भाइयों को गिरफ्तार कर लिया गया है। मजीद तफसीलात जान लेते हैं दानियाल सैयद से। जी दानियाल, अपडेट कीजिएगा हमें इस हवाले से भी। जी देखिए, हमने बिल्कुल कराची के इलाका मलीर शराफी गोट है जहाँ पर दो रोज कबल हवाई फायरिंग की गई थी शादी की तकरीब में, जिसके नतीजे में एक कमसन बच्ची समेत तीन अफराद जख्मी हुए थे। और SSP मलीर के मुताबिक फायरिंग करने वाले जो दो मुल्जमान थे उन दोनों अफराद को गिरफ्तार कर लिया गया है। दोनों मुल्जमान सगे भाई हैं और उन्होंने रिश्तेदारों की शादी में हवाई फायरिंग की थी, जिसके लपेट में एक कमसन बच्ची समेत तीन अफराद जख्मी हुए थे। जख्मी बच्ची दौरान इलाज जिला अस्पताल में दम तोड़ गई है। जी दानियाल, बहुत शुक्रिया अपडेट करने के लिए। कराची में नेशनल कमांड एंड ऑपरेशन सेंटर का वजीर आला हाउस में इजलास जारी है। इजलास में NCOC के चेयरमैन असद उमर, वजीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह, NCOC के चेयरमैन लेफ्टिनेंट जनरल हमूदुज्जमान खान और दीगर अराकीन शरीक हैं। इजलास का अहवाल जानते हैं आजाद नोड़ियों से। आजाद, बताइएगा। जी बिल्कुल, इस वक्त वफाक वजीर असद उमर की जेर सदारत नेशनल कमांड एंड ऑपरेशन सेंटर यानी NCOC का इजलास वजीर हाउस में जारी है। जो पहला इजलास है जो कराची में हो रहा है, इस इजलास में वजीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह और दीगर जो नेशनल कमांड एंड ऑपरेशन सेंटर के मेंबरान हैं वो शरीक हैं। गिलगित बल्तिस्तान, आज़ाद जम्मू कश्मीर, KPK, पंजाब और बलूचिस्तान के चीफ सेक्रेटरी भी वीडियो लिंक के जरिए इस इजलास में शरीक हुए हैं। इस इजलास में जो है एक नुकाती एजेंडे पर गौर किया जा रहा है, जिसमें इस वक्त मुल्क भर में कोरोना की सूरत हाल है, अस्तमात लॉकडाउन है, इसके साथ साथ मवेशी मंडियों की SOPs है उस पर अमल दरामद के हवाले से गौर किया जा रहा है। इस बार लॉकडाउन यानी जिन इलाकों में कोरोना के केसेस बढ़ रहे हैं उन इलाकों को सील करना या उन इलाकों में जो है लॉकडाउन करने के हवाले से भी मुशावर जारी है। इस इजलास में महकमा सेहत सिंध की जानब से जो है इस इजलास में तफसीली तौर पर ब्रीफिंग दी जा रही है। दीगर सूबों में जो कोरोना की सूरत हाल है इस हवाले से भी इस इजलास में गौर किया जा रहा है। इजलास पर गौर किया जा रहा है। आजाद, बहुत शुक्रिया। लाहौर में पेफ पार्टनर स्कूल मालिकान ने जमान पार्क के सामने एहतजाजी मुजाहिरा किया। पुलिस अहलकार ने 35 अफराद को हिरासत में ले लिया। आपको बताते चलें कि लाहौर में पेफ पार्टनर स्कूल मालिकान ने जमान पार्क के सामने एहतजाजी मुजाहिरा किया है। इसी हवाले से मजीद तफसीलात जानते हैं। अफीफा नसरुल्ला हमारे साथ मौजूद हैं। अफीफा, बताइएगा क्या मुतालबात हैं। जी बिल्कुल, उनके मुताबिक ये हैं कि उनकी जो अदायगियां हैं उनको वापस की जाएं, उनको 6 माह से उनकी अदायगियां नहीं दी गई और बेइंसाफी उनके साथ की जा रही है, उनकी कटौतियां की जा रही हैं जो कि बिल्कुल रूल्स के मुताबिक नहीं है, ना ही उनके जो प्रिंसिपल्स हैं उनके मुताबिक है। उनका ये वो तकरीबन एक हफ्ते से माल रोड पर भी एहतजाज उन्होंने किया, प्रेस क्लब के सामने भी किया, गुज़िश्ता रोज भी उनको गिरफ्तार किया गया, आज फिर आज उन्होंने जमान पार्क के सामने एहतजाजी मुजाहरा करने की कोशिश की है। सिर्फ 35 अभी अफराद वहां पर जमा हो रहे थे आहिस्ता आहिस्ता करके,
जैसे ही वो जमा हुए उनको फौरी तौर पर गाड़ियों में डाला गया, नामालूम मकाम की तरफ मुंतकिल कर दिया गया। अब वो तमाम लोग पूरे पंजाब से आए हैं, सिर्फ लाहौर से नहीं बल्कि पूरे पंजाब के, जनूबी पंजाब से बड़ी तादाद में पार्टनर्स यहाँ पर आए हैं और वो एहतजाज कर रहे हैं। उनको गिरफ्तार इसलिए किया जा रहा है क्योंकि वो अपने हकूक की यहाँ पर आवाज बुलंद कर रहे हैं, आवाज बुलंद कर रहे हैं। आफीफा बहुत शुक्रिया। बुलेटिन में अभी वक्त हुआ एक ब्रेक का, आप हमारे साथ रहिए। ब्रेक के बाद आपको बताएं, कराची में बारिश ने हुकाम की तैयारियों का पोल खोल दिया। एक दिन की बारिश से कयूमाबाद चुरंगी तालाब का मंजर पेश करने लगा है। 17 घंटे गुजरने के बाद भी बारिश का पानी ना निकाला जा सका, तफसीलात जानते हैं दानियाल सैयद से। दानियाल बताइएगा ताजा तरीन क्या सूरत हाल है। बिल्कुल, शहर कायद में गुज़िश्ता रोज होने वाली बारिश को 17 घंटे से ज्यादा का दौरान गुजर चुका है, लेकिन बज़ाहिर ऐसा लगता है कराची की सड़कों को देखकर कि बारिश अब से चंद लम्हों कबल ही थमी हो। ये कराची की मेन शाहरा है कयूमाबाद चौरंगी, जो डिफेंस की तरफ जाती है, अख्तर कॉलोनी महमूदाबाद की सिम जाती है और कोरंगी सनती एरिया की सिम ये सड़क जाती है, और इसके ऊपर पानी खड़ा हुआ आप देख सकते हैं। किसी तालाब नदी से कम के ये मनाजिर नहीं है। 17 घंटे से जायद के दौरान हो चुका है और लोगों को मुश्किल का सामना है। ये सिर्फ इस शारा की बात नहीं बल्कि इसके अलावा भी सदर और ओल्ड सिटी एरियाज के बेशतर ऐसे इलाके, गलियां, मोहल्ले, चौराहे हैं जहां पर निकासी आपका काम नहीं किया जा सका है। कई कई फुट कई मकामात पर पानी जो है खड़ा हुआ है और ये कयूमाबाद चौरंगी पर दो दो फुट पानी जमा है। जो यहां से गुजरने वाले जो अफराद हैं उन्हें शदीद मुश्किल का सामना करना पड़ा है। गुज़िश्ता रोज़ हमने देखा था कि यहाँ पर बहुत ही अजीब सूरत हाल का सामना था और गाड़ियाँ यहाँ पर फंस कर बंद हो गई थी, ख़राब हो गई थी, लेकिन आज पानी किसी हद तक कम ज़रूर हुआ है, लेकिन इस वक्त भी ऐसी सूरत हाल है कि किसी नदी और नाले का मंजर ये इलाका पेश कर रहा हो। कयूमाबाद पे मैं मौजूद हूँ, 17 घंटे से ज़ायद के दौरान ही गुजर चुका है, निकासी अब नहीं किया जा सका है। चार है फैसल डिग रोड अंडरपास से पानी हटा लिया गया है, डिफेंस खैबान शहबाज से पानी हटा लिया गया, लेकिन जो शहर दीगर मजफाती इलाके हैं वहाँ पर रहने वाला नहीं है। जो मुतालका इदारा है जो निकासी आपका काम करता है वो भी ना जाने कहां मसरूफ है कि उसे शहरियों की मुश्किलात दिखाई नहीं दे रही है। दानियाल बहुत शुक्रिया, आप अपडेट कर रहे थे। कराची में इंतजामी ना अहली के बायस शहरियों की जिंदगियां खतरे में पड़ गईं। पीआईबी कॉलोनी में सीवरेज लाइन की मुरम्मत के लिए खोदे गए गढ़े में कमसिन बहन भाई जा गिरे। गढ़ा बारिश के पानी से भरा था, बहन ने बारिश के पानी में डूबते भाई को बचा लिया। वाकये की सीसीटीवी फुटेज भी सामने आ गई है। तो आपको बता रहे हैं कराची में इंतजामी नाहली के बायस शहरियों की जिंदगियां खतरे में पड़ गई हैं। पीआईबी कॉलोनी में सीवरेज लाइन की मरम्मत के लिए खोदे गए गढ़े में कमसिन भाई जा गिरा। गढ़ा बारिश के पानी से भरा था, बहन ने बारिश के पानी में डूबते हुए भाई को बचा लिया। कराची के दीगर इलाकों की बात एक तरफ, सिंध सेक्रेटेरिएट के दफातर के अतराफ भी बारिश का पानी जमा है। सिंध में ब्यूरोक्रेसी के मरकज के अतराफ में भी बारिश का पानी ना निकाला जा सका, आजाद नोहरियों से तफसीलात जानते हैं। आजाद बताइएगा। मैं इस वक्त मौजूद हूँ सिंध का दारुल खिलाफा कराची, जिसका सिंध सेक्रेटेरिएट जहाँ का पूरा निज़ाम सूबे का यहाँ से चलता है। सिंध सूबे की पूरी ब्यूरोक्रेसी यहाँ पर मौजूद होती है, लेकिन चिराग तले अंधेरा है। चीफ सेक्रेटरी सिंध और तमाम महकमों के एक्टिंग यानी सेक्रेटरी जो उनके तमाम तरह के दफातर जो हैं यहाँ पर सिंध सेक्रेटरी में, तमाम वज़रा के दफातर, तमाम मुशीर मामले खास के दफातर यहाँ पर हैं, लेकिन 19 घंटे गुजर जाने के बावजूद सिंध सेक्रेटरी से भी पानी का जो निकासी का अमल है वो मुकम्मल नहीं हो सका, जिसके बाद इस वक्त भी सिंध सेक्रेटरी के तरफ में बारिश का पानी मौजूद है। 19 घंटे गुजर जाने के बावजूद शहरी इंतजामिया या डीएमसी साउथ की जानब से यहाँ का पानी जो है नहीं निकाला गया, जिसके बायस यहाँ से गुजरने वाले जो शहरी हैं उनको सख्त मुश्किल का सामना है। आज छुट्टी का रोज़ है, लेकिन उसके बावजूद सिंध सेक्रेटरी के अंदर पानी मौजूद है। बड़ी तादाद में यहाँ पर जो है लोग यहाँ से जो गुजरते हैं उनको भी सख्त मुश्किल का सामना करना पड़ता है। देखा जाए तो यहाँ पर सेक्रेटरी बलदियात का भी दफ्तर यहाँ पर है और मिनिस्टर बलदियात का दफ्तर यहाँ पर है, लेकिन बारिश का पानी निकालना सिंध की ब्यूरोक्रेसी के लिए भी चैलेंज बन चुका है। मुकामी इंतजामिया ने किसी किस्म का कोई दावा नहीं किया, जिसके बाद पानी यहाँ पर मौजूद है। यह सिंध का सूबे का दारुल खिलाफा का सिंध सेक्रेटरेट है, जहाँ से पूरा मुल्क का निज़ाम चलता है, जहाँ से कागजी कार्रवाई कारोबार यहाँ से चलता है, लेकिन सिंध की अफसर शाही ने इस तमाम तर सूरत के पेश नज़र जो है पानी की निकासी के मामले पर किसी किस्म की कोई तवज्जो नहीं दी है। वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह ने इस मामले का सख्ती से नोटिस लिया था, लेकिन डीएमसी साउथ और मुकामी इंतजामिया की जानब से वज़ीर आला सिंध के अहकाम को भी हवा में उड़ा दिया गया। बहुत शुक्रिया आपका।
कराची की शहरी इंतजामिया और बल्दियाती नुमाइंदे बारिश के बाद मुकम्मल गायब हो गए। कायद आजम मोहम्मद अली जिनाह की जाय पैदाइश वजीर मेंशन के बाहर बारिश का पानी जमा हो गया। खारादर में भी अहम सरकारी इमारतों के सामने कई फीट पानी मौजूद है। रेन एमरजेंसी के दावे बरसाती पानी में बह गए। दानियाल सैयद से तफसीलात जानते हैं। दानियाल, ये अहम इमारतें हैं जिनके बाहर पानी मौजूद है, इंतजामिया क्या कर रही है? जी देखिए, बिल्कुल तमाम जो कराची की अहम मराकज हैं, अहम सड़कें हैं और अहम दफातर हैं, इमारतें हैं, उनके बाहर बारिश के बाद यही सूरत हाल का सामना है। 17 घंटे से जायद का दौरान ही गुजर चुका है। कराची में कायद आजम मोहम्मद अली जिना की जाय पैदाइश वजीर मेंशन पर पानी जमा है। खारादर में मौजूद जो दीगर अहम सरकारी इमारतें हैं उनके बाहर भी कई फुट पानी मौजूद है। निकासी आपका काम अब तक नहीं किया जा सका है। दानियाल, बहुत शुक्रिया। तख्त भाई में खुदाई के दौरान बुद्धा का नायाब मुजस्मा बरामद हो गया। इलाका मकीनों ने मुजस्मे को टुकड़े टुकड़े कर दिया। मुजस्मा मकामी इमाम मस्जिद के कहने पर तोड़ा गया। मुजस्मा तोड़ने की फुटेज भी बनाई गई। महकमा आर्काइव का कहना है कि जिम्मेदारों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया जाएगा। आपको बताएं कि तख्त भाई में खुदाई के दौरान बुद्धा का नायाब मुजस्मा बरामद हो गया है। तफसीलात जानते हैं। मंजूर हुसैन हमारे साथ मौजूद हैं। मंजूर, क्या तफसीलात हैं? हाँ जी, देखिए, मरदान का इलाका तहसीली तकबई और ताजुद्दीन गांव है। यहाँ पे जमालुद्दीन के घर पे खुदाई के दौरान बुद्धा का नायाब मुजस्मा बरामद हुआ है। मुजस्मे को इलाके मकीनों ने तोड़कर पाश पाश कर दिया है। साथ साथ बताता चलूं कि मुजस्मा मुकामी मौलवी की हिदायत पर तोड़ा गया। मुकामी मौलवी ने इलाका मकीन को बताया कि अगर मुजस्मा नहीं तोड़ा गया तो निकाह टूट जाएगा। दुरुस्त हालत में बरामद किए गए मुजस्मे की तोड़ते वक्त वीडियो भी बनाई गई। मुजस्मा तोड़ने की FIR अभी तक दर्ज न हो सकी था के मुताबिक पता लगा लिया है। FIR जिम्मेदारों के खिलाफ जो है वो दर्ज की जाएगी। अंडर सेक्शन 10 और 18 एंटिक्विटी एक्ट 2016 के तहत मुकदमा दर्ज किया जाएगा, जिसकी सजा 1 मिलियन और 5 साल जेल भी हो सकती है। जी बहुत शुक्रिया। ब्रेक के बाद आपको खुश आमदीद कहते हैं। चेयरमैन CPAC अथॉरिटी लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड आसिम सलीम बाजवा का कहना है कि एक्निक से 306 किलोमीटर तवील सखर हैदराबाद M6 मोटरवे मंजूर हो चुका। M6 मोटरवे की तकमील से कराची से पिशावर तक मशरकी रूट मुकम्मल हो जाएगा। ट्विटर पैगाम में आसिम सलीम बाजवा ने कहा कि मोटरवे की तामीर से ज़ेरी सिंध में समाजी और इक्तसादी तरक्की आएगी। इस मंसूबे से मशरकी बलोचिस्तान मोटरवेज के नेटवर्क से मुंसलिक हो जाएगा। तो आपको बता रहे हैं, चेयरमैन CPAC अथॉरिटी लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड आसिम सलीम बाजवा का कहना है कि एक्निक से 306 किलोमीटर तवील सखर हैदराबाद M6 मोटरवे मंजूर हो चुका है। M6 मोटरवे की तकमील से कराची से पिशावर तक मशरकी रूट मुकम्मल हो जाएगा। कराची में ऑयल टैंकर्स कॉन्ट्रैक्टर्स एसोसिएशन की हड़ताल तीसरे रोज भी जारी है। रिफाइनरीज समेत मुल्क भर में तेल की तरसील मुकम्मल तौर पर बंद है। तफसीलात जानते हैं महमूद रियाज से। जी महमूद, बताइएगा। जिस वक्त हम केमाड़ी ऑयल डिपो पर यहाँ पर खड़े हैं, हमारे साथ पाकिस्तान ऑयल टैंकर्स ऑनर्स एसोसिएशन के सीनियर वाइस चेयरमैन खानजादा महसूद हैं। आज हड़ताल तीसरे रोज में जारी हो गई है। मुज़ाकरात आज इस्लामाबाद में होंगे, कैसे देखते हैं मुकम्मल तौर पे? भाई जान, सबसे पहले तो आप लोगों की बेहद मशहूर हूँ कि इस गर्मी में यहाँ पर आपके आप लोगों को अपडेट कर रहे हो। दूसरी, मैं PTI हुकूमत और ख़ासकर वज़ीर पेट्रोलियम उमर अयूब साहब की बेहद मशहूर हूँ कि अपने मसरूफियात को छोड़कर आज हमारी वफद को 4 बजे का टाइम दिए और उससे मुलाकात करें। इंशाल्लाह जो हमारे जायज़ मुतालबात आज हाल हो जाए। आपने जो कहे थे कि आपके जो फ्रेट है उसको बढ़ाया जाए, जो टैक्स हैं, टूल टैक्स वगैरह जो होते हैं, सब चीज़ें, इन पे किस हद तक बातचीत हो गई और अहले कराची को कब तक खुशखबरी देंगे कि ये तेल की तरसील शुरू हो जाएगी? इंशाल्लाह अभी 2 से 3 घंटे के दरमियान में फासला है, 4 बजे तक खुशखबरी भी देंगे। और इंशाल्लाह उमर अयूब साहब अच्छे आदमी हैं, अच्छे अखलाक वाले हैं, इंशाल्लाह जो हमारे जायज़ मुतालबात है वो पूरे करेंगे। जी, जैसे इनका कहना था कि लोग यहाँ पर यकीनन 3 दिन से खड़े हुए हैं, ऑयल टैंकर्स नहीं चला रहे हैं, लेकिन खानजादा महसूद का कहना था कि शाम 4 बजे इस्लामाबाद में इनका तमाम वफ़द वहाँ पर मौजूद है, वज़ारत पेट्रोलियम में, वहाँ पर इनके मुज़ाकरात होंगे और एक अच्छी खबर आएगी और आज शाम तक जो है वो तेल की तरसील शहर कायद में भी शुरू हो जाएगी। जी बहुत शुक्रिया महमूद आपका। बुलेटिन में आगे बढ़ें। मुल्क के बालाई इलाकों में जारी बारिशों के बायस दरियाए सिंध में पानी के बहाव में इजाफा हो गया। गुज़श्ता 24 घंटे के दौरान सखर और गुड्डू बैराज के मकान पर 4000 क्यूसिक का इजाफा रिकॉर्ड किया गया।
पानी के बहाव में इजाफे से अलग कच्चा सोमरा पहनवारी समेत दीगर कच्चे के इलाके ज़ेरआब आ गए हैं। मज़ीद तफ़सीलात जान लेते हैं इमदाद बुज़दार से। जी इमदाद, हमें बताइएगा। जी बिल्कुल, मुल्क के बालाई इलाकों में पड़ने वाली बारिशों के बाद दरियाए सिंध में पानी के बहाव में मुसलसल इजाफा रिकॉर्ड किया जा रहा है और जो यहाँ कच्चे के इलाके हैं वो इस वक्त ज़ेर आब आना शुरू हो गए हैं। जहाँ इस वक्त मैं मौजूद हूँ पुराना सखर के ज़ीरो पॉइंट का इलाका, कैमरामैन बख्श अली को कहूँगा हमारे नाजरीन को इस वक्त ये मनाजिर दिखाएँ। ये वो कच्चे का इलाका है जहाँ पर जो छोटे दरख्त हैं वो भी पानी की जद में हैं और उसके साथ साथ जो सब्ज़ी की फसलें हैं जिसमें तुरई है, टिंडा है और जो दीगर मौसमी सब्जियां हैं वो इस वक्त ज़ेर आब आ चुकी हैं। काश्तकार खासा परेशान दिखाई दे रहे हैं। जो आबादी के इलाके हैं वो अभी मुतासर नहीं हुए। महकमा इरीगेशन का जो अमला है उनसे हमारी बात हुई, उनका कहना है कि आइंदा 24 से 48 घंटों के दौरान मजीद पानी के बहाव में इजाफे का इम्कान ज़ाहिर किया जा रहा है और गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान सखर बैराज और कुडू बैराज के मकाम पर 4 से 6 हज़ार क्यूसिक्स पानी का इजाफा जो है वो देखा गया है। इस वक्त दरिया सिंध में सखर के मकाम पर पानी की आमद 1,28,000 क्यूसिक्स रिकॉर्ड किया गया है जबकि जो अखराज है कोटरी बराज के तरफ जो अखराज है वो 70,000 क्यूसिक है। महकमा मौसमियात की जानिब से भी ये पेशगोई की गई है कि मुल्क के बालाई इलाकों के साथ साथ इन इलाकों में भी मजीद बारिशें पड़ने का इम्कान है। तो दरिया सिंध में जो पानी के बहाव में इजाफे का शुक्रिया अपडेट करने के लिए। मीरपुर के नवाही इलाके चकसवारी में मैरिज हॉल गिरने से मलबे तले दबे अफराद को निकालने के लिए इमदादी ऑपरेशन जारी है। मैरिज हॉल के मालिक और बेटे समेत 3 अफराद जान बाँक हो गए जबकि 20 जख्मियों को निकाल लिया गया। तफसीलात जानते हैं जाहिद बशीर चौधरी से। जाहिद, क्या अपडेट्स हैं? मैं इस वक्त मौजूद हूं मीरपुर के नवाही इलाका चकसवारी में जहां पे कल तकरीबन 10:45 बजे एक खौफनाक हादसा पेश आया और रुपयाल मैरिज हॉल की जो बिल्डिंग है वो ज़मीन बोस हो गई और इस वक्त मैं यहां पे रुपयाल मैरिज हॉल के बाहर मौजूद हूं और मेरे साथ इस वक्त साबिक वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर चौधरी अब्दुल मजीद साहब के साहबजादे मौजूद हैं। इनसे जानते हैं कि ये इस हवाले से क्या कहते हैं। अभी तक 20 लोगों को रेस्क्यू कर लिया गया है। 21वें जो इस होटल के मैरिज हॉल के मालिक हैं मेरा भाई चौधरी नदीम, वो इस दुनिया में नहीं रहा। सुबह 3:30 बजे उसकी बॉडी रिकवर हुई है। अभी मज़ीद 2 बंदे अंदर हैं, उसमें से मेरा भतीजा रहीम जो नदीम साहब का बेटा भी है वो और एक और लड़का इधर हमारे पास काम करता था वो अंदर हैं। पाक फौज रेस्क्यू 112 जिली इंतजामिया लगी हुई है। इस वक्त जो टोटल तादाद इस मलबे तले दबी हुई थी वो 23 लोग थे जिनमें से 21 लोगों को रेस्क्यू कर लिया गया है जबकि 2 लोग इस वक्त मलबे तले मौजूद। वफाकी वजीर असद उमर का कहना है कराची के शहरियों को इलाज मुआवजे की तमाम सहूलतें मिलेंगी। वफाकी हुकूमत इस हवाले से भरपूर तआवुन करेगी। वो कराची में मीडिया से गुफ्तगू कर रहे थे। आइसोलेशन वार्ड को ऑपरेट करने के लिए चाहे वो ऑक्सीजन सप्लाई हो वो तो इंशाल्लाह ताला हम पूरी भरपूर कोशिश करेंगे और जनरल अफजल एनडीएमए के चेयरमैन हैं उनके साथ भी हमें बात करके हम भरपूर कोशिश करेंगे। साथ ही अभी हम थोड़ी देर पहले चीफ मिनिस्टर सिंध के साथ मुलाकात करके हैं। एनसीओसी का सेशन चीफ मिनिस्टर हाउस में ही हुआ था तो उनसे भी मैं अपील करूँगा कि इस वक्त जो सेहत की अवलीन तरजीह है सारे पाकिस्तान के अंदर तो अब्बासी एक बहुत बड़ा अस्पताल है, शहर के एक बड़े हिस्से को सर्व करता है तो इनके जो माली मामला हैं उनको भी तरजीह बुनियाद के ऊपर वो हल करें और सिंध की हुकूमत भरपूर इसमें मदद। अहम खबर से आपको अपडेट कर रहे हैं। कराची में अब्बासी शहीद अस्पताल के डॉक्टर्स ने तनख्वाहों की अदम अदायगी पर असद उमर का घेराव कर लिया है। असद उमर की डॉक्टर्स के मसाइल के हल के लिए मेयर कराची वसीम अख्तर को हिदायत जारी। असद उमर ने मुजाहिरीन को यकीन दहानी कराई के मसाइल हल कराएंगे। आपको बताएं कि कराची में अब्बासी शहीद अस्पताल के डॉक्टर्स ने तनख्वाहों की अदम अदायगी पर असद आपको बराहे रास्त इस्लामाबाद लिए चलते हैं जहां अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक तकरीब से खिताब कर रहे हैं। के रास्ते में रुकावट है, अगर ये रुकावट खत्म हो गया तो ये अजदहा आपकी इस्मीरपुर में होगा। खुदा ना करे आपके ये कोहाला पुल पे आप इसको देखेंगे लेकिन ये तो वो बेसरो वो तो बेअसल है और गैर मुसल्लम मुजाहिदीन ने अपनी जुनून की बुनियाद पर शौक शहादत की बुनियाद पर उन टैंकों को रोका है उन फौजों को रोका है। इसलिए मैं बड़े अहम मौके पर यह बात करना चाहता हूं कि कश्मीर के आज़ादी के लिए आज़ादी कश्मीर को बेस बनाकर
मजबूत बनाने की जरूरत है। ये जो जनाबे खालिद भाई ने बात की कि कुछ ऐसे तरामीम लाने की साजिश हो रही है जिसमें आजाद कश्मीर के स्टेटस को तब्दील किया जाए, जेबी के स्टेटस को तब्दील किया जाए, तो मैं पूछना चाहता हूं कि जो काम इंडियन हुकूमत ने इस्लामाबाद में अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक तकरीब से खिताब कर रहे हैं। न्यूज स्टूडियो से फिलवक्त इतना ही। मजीद बाखबर रहने के लिए देखते रहिए 24 न्यूज HD।